से लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और उसमें हमने क्या देखा था कि जो वर्बल सेंटेंसेस होते हैं, वर्बल सेंटेंसेस इन द सेंस क्या, कौन से सेंटेंस कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है जैसे कि इज, एम, आर, ठीक है, ये अगर इनिशियल पॉइंट पे आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्बल क्वेश्चन। तो लास्ट टाइम हमने इसका यूज किया था, ठीक है, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। और इसमें हमने जो किया था वो क्या था उसमें कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि सुनील सेड, कि सुनील सेड, सुनील सेड इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग, एंड क्वेश्चन मार्क आता था यहाँ पर, डबल कोटेशन, राइट। इसका आंसर हम कैसे लिखते थे, सुनील आस्क्ड, ठीक है, सेड की जगह हम क्या लिखते थे, ऑलवेज आस्क लगाते थे यहाँ पर, क्लियर। और आस्क लिखने के बाद कॉमा और डबल कोट को निकाल कर हम क्या लगाते थे यहाँ पर, एनीवन, वर्बल क्वेश्चंस में, यस, इफ और वेदर हम लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ भी लगा सकते हैं हम, इफ और वेदर। तो सुनील आस्क्ड इफ, ठीक है, फिर दूसरा क्या करते थे उसके बाद, वी यूज टू इंटरचेंज दिस टू थिंग, है ना, इज इट को क्या कर देते थे हम, इट इज बना देते थे। तो क्या आंसर आता था, वेदर, सॉरी, इफ इट वॉज रेनिंग, क्लियर। ये हमने पढ़ा था वर्बल क्वेश्चंस में, राइट। अब आज जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। डब्ल्यू एच मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले कौन से वर्ड्स है वो, जैसे कि व्हाट है, ठीक है, वेयर, हाउ, विच, ये सारे वर्ड्स क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस है, राइट। सारे वर्ड्स जो है वो हमारे डब्ल्यू एच क्वेश्चंस है। तो चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं पहले तो, लेकिन एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल में हम लेते हैं यहाँ पर कि ही सेड टू मी, सॉरी, ही सेड टू मी कॉमा डबल कोटेशन वेर इज द स्कूल, सिंपल लेते हैं, चलो वन मिनट, वेर इज द स्कूल, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। याद रखना खास, अगर नोटबुक नहीं है तो टेक योर नोटबुक एंड राइट डाउन दिस एग्जाम्पल, प्लीज ऑल ऑफ यू टेक डाउन योर नोटबुक, नोटबुक ले लो सब, और उसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे ना उसमें टाइप टू है ये, आगे जो हमने देखा था वर्बल क्वेश्चन दैट वाज योर टाइप वन इंट्रोगेटिव का, और आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज टाइप टू ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो प्लीज ऑल ऑफ यू टेक योर नोटबुक, प्लीज टेक योर नोटबुक एंड राइट डाउन दिस एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक। ये तो है, उसके आगे भी कुछ और एग्जाम्पल्स हम करेंगे, सो नीड टू राइट डाउन दिस ऑल एग्जाम्पल इन योर नोटबुक। आई होप सबने नोटबुक ले ली होंगी, यस और नो, ओके। नाउ देखो अब यहां पर क्या क्या चेंज करने हैं वो मैं बता देता हूं। चलते हैं वर्बल क्वेश्चन की ओर। वर्बल क्वेश्चन में पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं कि आंसर आएगा ही, वर्बल क्वेश्चन में क्या चेंज करते थे, सेड टू, इसको पूरा निकाल कर हम क्या करते थे वर्बल क्वेश्चन में, आज, यस, तो यहां पर भी सेम करना है, ही आज्ड, फिर क्या है आगे, मी लिखा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी हम मी लिखेंगे। देन एक चेंज हमने ये कर दिया, सेकंड चेंज क्या करेंगे, कॉमा और डबल कोट को निकाल कर वर्बल क्वेश्चन में क्या लगाते थे हम, ई फॉर वेदर, ठीक है। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन है ना यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम, ही आस्क्ड मी वेर,
यहाँ पर इफ, वेदर या दैट ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? वेयर से स्टार्ट करेंगे। ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पर देखो ये बीच में क्या है, इज लिखा हुआ है, ठीक है, तो इज को हम बाद में लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है? द स्कूल, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? वेयर द स्कूल। अब तुम्हारे वो बॉक्स में देखो, अगर इज एम आर है तो क्या आएगा उसके सामने इनडायरेक्ट स्पीच में? वॉज, ठीक है। अब यहाँ पर स्कूल सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे? वॉज लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे वॉज। तो ये हो गया आपका आंसर। ही आस्क्ड मी वेयर द स्कूल वॉज। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक डायरेक्ट स्पीच इन टू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। सो राइट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक जल्दी। सॉरी, ही आस्क्ड मी वेयर द स्कूल वॉज। हो गया, ओके। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल, सी, सॉरी, सी आस्क्ड मी, कॉमा, डबल कोट, वेयर इज माई अम्ब्रेला, ठीक है, सिंपल, वेयर इज माई UMBRE डबल एल ए, वेयर इज माई अम्ब्रेला, एंड डबल कोटेशन खत्म। सी आस्क्ड मी वेयर इज माई अम्ब्रेला, सिंपल है। Who will tell me the correct answer? Yes, Jatin. Yes, correct. Sorry, यहाँ पर mine नहीं आएगा, mine भी नहीं आएगा. Yes, yes. First of all, tell me your name. ओके, गिव मी योर आंसर। यस, यहां पर माई की जगह क्या आएगा? हर आएगा ना। क्यों हर आएगा? क्योंकि यहां पर कौन है, देखो सी है, तो सी मतलब पूछ रही है, सी जो है वो मी को पूछ रही है कि मेरी अम्ब्रेला कहाँ है। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि माई है, तो यहाँ पर माई थोड़ी आएगा, यहाँ पर तो हर हो जाएगा ना सी का। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? सी आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, सी आस्क्ड मी वेयर हर अम्ब्रेला, वेयर हर अम्ब्रेला वॉज। अब यहाँ पर देखो लास्ट में क्या बचा हमारे पास? इज बचा। टेबल में इज की जगह क्या लिखा हुआ है? वॉज, इज एम आर, तो वॉज वेयर होता है, तो यहां पर हम लास्ट में अम्ब्रेला वॉज लिख देंगे। सो दिस इज योर आंसर। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग यू? पता चल रहा है ना? ओके, देन राइट डाउन दिस आंसर। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी एक सिंपल ले लेते हैं। चलो चलो, सॉरी,
ओके okay. राधा 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 आस्ड अस, राधा आस्ड अस मतलब राधा ने हमें पूछा, अस मतलब हमें, क्या पूछा, हाउ आर यू, राधा आस्ड अस हाउ आर यू, सिंपल है, ठीक है, राधा आस्ड अस हाउ आर यू, बोलो, हु विल टेल मी द आंसर, ओके महावीर, यस वेरी गुड। देखो यहां पर राधा आस्ट अस, ठीक है, इट विल रिमेन सेम, यहां पर तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही आस्ट दिया हुआ है, तो इसको तो कोई चेंज करना नहीं है, तो यहां पर सिंपल आएगा स्टार्टिंग में कि राधा, ठीक है, तुम भी लिखते रहो मेरे साथ, राधा आस्ड अस, सॉरी मैंने कमा कर दिया, राधा आस्ड अस। अब यहां पर क्या है, स्टार्टिंग में हाउ है, यहां पर लिख दो पहले हाउ, लिख दिया, देन यहां पर यू है, तो यू कौन है यहां पर, तो राधा ने हमें पूछा ना हाउ आर यू, तो यहां पर यू की जगह क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर अस है, अस मतलब प्लूरल में आता है, अस की जगह क्या हो जाएगा यहां पर, वी हो जाएगा, देन राधा, ठीक है, यहां पर यू की जगह हमने लिख दिया वी, और इज एम आर, तो यहां पर वी है, तो क्या आएगा वॉज वेयर में से, वेयर, ठीक है, हाउ वी वेयर, क्लियर, सो दिस इज योर आंसर, हाउ वी वेयर, ये हो गया तुम्हारा आंसर, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, डोंट बी हेजिटेट, डोंट फील हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन, देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये सब मिटा रहा हूं मैं, अब चलो राइट डाउन, सी आज, यहां पर मैं आज डी लेता हूं, ठीक है, क्योंकि पता है सबको ही आज डी लिखना है हमें, सी आज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डबल कोट, सी आस्क्ड हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु विल टेल मी द करेक्ट आंसर, यस महावीर, अरे सॉरी रिपीट वंस अगेन, रॉन्ग, यस जतिन, यस यहां पर क्या आएगा, वॉज आएगा, मैं कब से बोल तो रहा हूं, वॉट यू हैव टू सी कि यहां पर जो भी ये टेंस है इसको क्या करना है, हमें चेंज करना है, आगे के एग्जाम्पल में भी हमने देखा है, ठीक है, वो इसका वॉज कर देते हैं, राइट, आर का वेयर कर देते हैं, तो ये सब चीजें भी हमें नोट करनी है, तो क्या आएगा यहाँ पे, सी आज, यहाँ पर मैं सी आज नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अरे सॉरी आंसर लिख रहा हूँ, क्या होगा आंसर, हु द, ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको हु द प्राइम मिनिस्टर, हु द प्राइम मिनिस्टर, कंटिन्यू रखो पूरा, ऑफ
इंडिया, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर मैंने पहले ही बोला है। अगर इज एम आर है क्या देखना है हमें, बॉक्स देखना है। अगर विल सेल है तो विल सेल का क्या कर देना है, वुड कर देना है। अगर हैव लिखा है तो हैव का हो जाएगा हैड। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। चलो लिख लिया इसका आंसर। ओके, अब थोड़ा इसके ऊपर चलते हैं। चलो ये तो हमने अभी तक सिंपल एग्जांपल देख लिए, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, थोड़े टफ एग्जांपल देखते हैं हम। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। राइट डाउन, वेयर हैव यू बीन, डबल कोट में लिखो, वेयर हैव यू बीन, क्वेश्चन मार्क, डबल कोटेशन, और नीचे कॉमा करके लिख रहा हूं मैं, स्पेस नहीं है मेरे पास इसलिए। द मदर आस्क्ड हर डॉटर, द मदर आस्क्ड हर डॉटर। ओके, देखो क्वेश्चन, वेयर हैव यू बीन, ठीक है, डबल कोट में है, लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, डबल कोटेशन खत्म होता है, और यहाँ पर कॉमा करके क्या लिखा है, द मदर आस्क्ड हर डॉटर। कौन बोलेगा? हु विल टेल मी द करेक्ट आंसर? यस जतिन, बोलो जतिन, बोलो। ओके, एनीवन एल्स, और कोई बोलना चाहेगा आंसर? गर्ल्स में दिया मोरवानी, दिया आर यू देयर? यस, ओके, यू कैन। रॉन्ग, दो वर्ड्स यहां पर गलत पड़े हैं तेरे। राजमेरी, यस यू कैन। रॉन्ग, और कोई बॉयज में? यस महावीर, यू कैन। यस, जतिन और महावीर दोनों के आंसर राइट है। मैं जस्ट टेस्ट कर रहा था सबको कि अपना आंसर चेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? सो यहाँ पर तो ये पूरा चेंज, ये तो सेम रहेगा पूरा, द मदर आस्क्ड हर डॉटर, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, द मदर आस्क्ड हर डॉटर, इट विल रिमेन एज इट इज, ये पूरा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। देन चेंज कहाँ होगा बताता हूं मैं, सी ये तो पूरा एज इट इज लिख दो पहले नोटबुक में, द मदर आस्क्ड हर डॉटर, अब यहाँ पर दैट तो लगाना नहीं है, तो यहाँ पर ये कौन बोला था अभी, धनवी, दैट बोली थी, यहाँ पर दैट नहीं आएगा, यहाँ पर सीधा हमें वेर ही लगाना है, राइट तो यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ सीधा वेर। ओके बेटा, चलो नॉट एन इश्यू, यहाँ पर वेर से स्टार्ट करो, यस ठीक है। अब देखो यहाँ पर हैव है, तो हैव को अभी, हैव को छोड़ दो अभी, क्या है अब, यू बीन लिखा है, लेकिन आगे पढ़ो वर्ब में क्या आता है, रिपोर्टेड वर्ब में, मम्मी उसकी बच्ची को पूछ रही है, मतलब कह रही है, क्या कह रही है,
वेयर हैव यू बीन, तो यहां पर जो यू है वो यू कौन है, लड़की है, डॉटर है ना, तो यहां पर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, यहां पर सी आएगा। और जैसे ही अब ये हम ले लेते हैं इसको हैव को, यहां पर सी हैड बीन। अब हर केस में जरूरी नहीं है कि ये जो हैड है वो लास्ट में चला जाएगा, जैसे कि वॉज वेयर में क्या होता था कि उसको हम ऑलवेज लास्ट में लिखते थे, ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो भी वर्ड्स है जो भी हमारा पास्ट फॉर्म है ऑलवेज लास्ट में आएगा, इट इज नेसेसरी कि वो कभी बीच में भी आ जाए, तो जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा, सो योर करेक्ट आंसर इज वेयर सी हैड बीन, इसका राइट आंसर है वेयर सी हैड बीन, सो राइट डाउन दिस आंसर। या तो फिर एक चीज याद रखो कि इज और आर कहीं पर भी आते हैं तो जो वॉज वेयर हम लगाते हैं ना वो ऑलवेज लास्ट में लगेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो कहाँ लगेगा, ऑलवेज लास्ट में लगेगा, सिवाय हैव और हैज के, जो हैड बीन हम लगाते हैं ना, हैव हैज की जगह हम हैड लगाते हैं, वो इन बिटवीन लगेगा, इट डिपेंड अपॉन द सेंटेंस। नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं आज, चलो लिख लिया होगा सबने ये आंसर, नेक्स्ट चलते हैं एक और सेंटेंस इस पे, वन मिनट। ओके, राइट डाउन, रमेश सेड कॉमा डबल कोटेशन, व्हाट इज, व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, What is your designation in the company? Right? Question mark and double quotation. Ramesh कह रहा है कि what is your designation in the company? किसी का फोन अनम्यूट है बेटा, प्लीज म्यूट योर फोन। यस, DESIGNATION बेटा, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं अपनी उंगली से यहां पर लिख रहा हूं ना, तो हैंडराइटिंग इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, राइट? चलो लिख लिया सबने, सॉरी ऐसे नहीं है, कौन बोल रहा है ये मुझे नया फोन ले लो, ऐसे नहीं है बेटा, अभी तो शॉर्टेज चल रही है लॉकडाउन की वजह से। चलो नाउ कौन बोलेगा इसका आंसर, व्हाट इज योर डेजिग्नेशन इन द कंपनी? हेत पटेल, ओके, ट्राई करो, चलो रॉन्ग, यस, थोड़ा बहुत है, चलो और कोई ट्राई करना चाहेगा? यस, अरे ये तो बहुत लंबा बोल दिया तूने आंसर। और कोई, एनीवन एल्स?
श्याम सुथार नहीं है, शिव मेघानी, शिव मेघानी आर यू देयर नहीं है, मेघराज सिंह यस बोलो चलो आंसर, नहीं और कोई बॉयज में तो अभी कई सारे थे, कहाँ चले गए सब, राम गौर है, राम गौर नहीं है, ध्यान पटेल ध्यान पटेल आर यू देयर, आई थिंक ही इज ऑल्सो नॉट देयर, खराड़ी राजमेरी अरे क्या है सब म्यूट करके बैठ गए हो क्या, ओके चलो मैं बता रहा हूं, सी रमेश सेड, तो रमेश सेड का क्या हो जाएगा, रमेश ठीक है रमेश सेड का हो जाएगा आज, रमेश क्या पूछ रहा है वो मतलब किसी और को पूछ रहा है ना, क्या कह रहा है वो, व्हाट इज योर डेजिग्नेशन इन द कंपनी, तो यहां पर देखो क्या लिखेंगे हम स्टार्टिंग में, व्हाट लिखेंगे, सॉरी इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं पता चलेगा, हाँ व्हाट राइट, व्हाट लिखा हमने, अब हमें चेंज क्या करना है, इज योर डेजिग्नेशन है ना उसको हमें थोड़ा चेंज कर देंगे, यहां से यहां ले जाएंगे ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि व्हाट इज योर डेजिग्नेशन है, तो यहाँ पे जो रमेश है वो किसी और से पूछ रहा है ठीक है, किसको बात कर रहा है वो किससे पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है सीड के बाद, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुछ भी लिख सकते हैं, हीज लिखेंगे, हर लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम, चलो हीज लिखते हैं, व्हाट हीज ठीक है, योर की जगह क्या लिखा हमने, हीज लिखा, देन आफ्टर डेजिग्नेशन, What his designation? What his designation? अब ये जो is है ठीक है, इसको अब जो हम है यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे designation के बाद, स्टार्टिंग में कोई आंसर बोला था उसका आंसर राइट था, कौन बोला था सबसे पहले, हित यस तेरा आंसर राइट था, तो देखो what his designation was ठीक है, इसकी जगह वॉज हमने यहाँ कर दिया डेजिग्नेशन के बाद, देन क्या लिखेंगे, सॉरी इन द कंपनी, क्लियर, तो ये हो गया आपका आंसर बस, रमेश आज व्हाट हिज डेजिग्नेशन वॉज इन द कंपनी, सो राइट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक, नहीं यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो रमेश सेड है, रमेश कह रहा है लेकिन किसको कह रहा है, यहां पर क्या है क्वेश्चन मार्क है ना, कोई है ही नहीं यहां पर, तो रमेश कह रहा है कि व्हाट इज योर, तो यहां पर हम योर की जगह कौन किसको लेंगे, कोई तो चाहिए ना हमें यहां पर, हिज और हर, यहां पर क्या है हम योर की जगह किसी को तो लेना पड़ेगा, योर लिखेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है हिज, जिसकी जगह हम हर भी लिख सकते थे, ये चीज है यहां पर, तो योर लिखो यहां पर, जो अगर हमने योर लिखा तो पूरा सेम एज इट इज रह जाएगा, फिनिश ओके, होप सबने लिख दिया होगा, यस और नो ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल राइट डाउन, सीता सेड टू टीचर, सीता सेड टू टीचर
सॉरी, सीता सेड टू, सॉरी सेड टू टीचर, सीता सेड टू टीचर, कॉमा डबल कोट, हाउ मेनी चैप्टर्स, हाउ मेनी चैप्टर्स विल बी देयर, यहां पर ये डॉट क्यों हो रहा है, हाँ, हाउ मेनी चैप्टर्स विल बी देयर, हाउ मेनी चैप्टर्स विल बी देयर इन एग्जाम, इन एग्जाम एंड क्वेश्चन मार्क एंड डबल कोटेशन, ठीक है, यहाँ पर पूरा खत्म होता है तुम्हारा क्वेश्चन। सीता सेड टू टीचर हाउ मेनी चैप्टर्स विल बी देयर इन एग्जाम, हाउ मेनी चैप्टर्स विल बी देयर इन एग्जाम। बोलो आंसर। यस यस वेरी गुड, सिंपल। सीता सेड की जगह, सेड टू की जगह क्या लिख देंगे हम, आज्ड। तो सीता आज्ड, यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर सीता, सॉरी सीता आज्ड टीचर, क्या पूछा उसने टीचर को, हाउ मेनी चैप्टर्स, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम हाउ मेनी चैप्टर्स, हाउ मेनी चैप्टर्स, देन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है विल की जगह क्या हो जाएगा, विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड। यस, हाउ मेनी चैप्टर्स वुड बी देयर इन एग्जाम, बस ये हो गया आपका आंसर, हाउ मेनी चैप्टर्स वुड बी देयर इन एग्जाम। राइट डाउन दिस आंसर, फिर एक चीज में भूल गया कहना आप लोगों को, इतना आंसर लिख लो फिर बताता हूं। चलो लिख लिया सबने, ओके। देन एक चीज में भूल गया था बताने को, बता रहा हूं मैं, देखो यहां पर इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या कहा था मैंने कि रमेश आज्ड व्हाट हिज डेजिग्नेशन वाज इन द कंपनी, ठीक है, तो ये जो वाज है ना, इफ यू वांट हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये जो वाज है वो हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, कैसे, तो देखो व्हाट हिज डेजिग्नेशन इन द कंपनी वाज, ठीक है, व्हाट हिज डेजिग्नेशन इन द कंपनी वाज ये भी चलेगा, और व्हाट हिज डेजिग्नेशन वाज इन द कंपनी ये भी चलेगा, राइट। तो किसी और ने भी ये आंसर कहा हुआ था मुझे कि व्हाट हिज डेजिग्नेशन इन द कंपनी वाज, तो वो आंसर भी राइट था, मुझे याद नहीं है कौन था वो, लेकिन किसी ने कहा था, यस जतिन चौधरी, ओके। सो यहां पर तुम्हारा जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, पता चला सबको कैसे कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में डब्ल्यू एच क्वेश्चन को, यस और नो, ओके। और कुछ और एक आध दो एग्जांपल देख ले, और ओके देन, चलो राइट डाउन, ये मैं निकाल रहा हूं, विच सॉरी सी आस्ड, राइट डाउन सी आस्ड, ये मैं पूरा निकाल दूं, सी आज्ड ASKED,
सॉरी ये आ गया, चलो मेरा सी आस्क्ड विच ड्रेस डू यू लाइक बेस्ट, डू यू लाइक बेस्ट विच ड्रेस डू यू लाइक बेस्ट, बोलो। ये थोड़ा अलग है, यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ योर दैट टेबल, टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो टेबल तो बाय हार्ट ही कर लो, अभी भी टाइम है। सी आस्क्ड विच ड्रेस डू यू लाइक बेस्ट, बोलो आंसर। यस, नाम बोलो। यस जतिन बोलो। रॉन्ग। यस फिर से बोल। लाइक के या लाइक्ड? ओके, एनीवन एल्स? और कोई ट्राई करना चाहेगा? और कोई गर्ल्स में ट्राई एंटिल यू गेट सक्सेस, कोई करना चाहेगा ट्राई? नो वन। चलो महावीर ने आंसर राइट दिया, लेकिन एक खाली एक वर्ड थोड़ा गलत पड़ गया, उसमें भी कुछ ऐड करना था। क्या ऐड करना था बताता हूं मैं, चलो ये तो सेम रहेगा। सी आस्क्ड देन क्या है यहाँ पर, विच, यहाँ पर भी लिख देंगे हम, सॉरी विच, देन आफ्टर ड्रेस, विच ड्रेस। अब देखो यहाँ पर क्या है, डू यू लाइक बेस्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस, डू की जगह क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। टेबल में देखो सबसे पहला जो लिखा होगा वी वन प्लस एस ई एस, ठीक है, तो ये डू है, ये हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है डू, उसका हमें क्या करना है, वी टू बनाना है, तो डू का वी टू क्या होगा, डिड हो जाएगा ना। विच ड्रेस डिड, यहाँ पर यू लिखा है, तो देखो सी आस्क्ड किसको पूछ रही है, कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, तो उसके आगे जो हमने एक एग्जांपल देखा था उसके जैसा ही है। यहाँ पर यू की जगह क्या कर देंगे हम, ही और सी, कुछ भी लिख सकते हैं। विच ड्रेस डिड ही लाइक बेस्ट, विच ड्रेस डिड ही लाइक बेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। विच ड्रेस डिड ही लाइक बेस्ट, क्लियर? ओके देन, नाउ देखो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, राइट? देन उसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है आई एम सेंडिंग यू, मैं सेंड कर रहा हूँ अभी, WH क्वेश्चन की कुछ एक्सरसाइज है एज योर वर्कशीट, यू हैव टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, फिर मुझे सेंड करो, एंड देन आफ्टर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो जब भी हमारा इंग्लिश का लेक्चर है वी विल सॉल्व दैट exercise.